हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय इजी रेसिपी। आज बनाएंगे हम अचारी कीमा, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अचारी कीमा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल प्रेस भी करें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अचारी कीमा हमारा एकदम यम्मी यम्मी रेडी हुआ है। तो देखते हैं हमको इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। आइए शुरू करते हैं। बाउल लिया है, इसमें दही ऐड करेंगे एक कप, और इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और ये हमने अचार का मसाला लिया है, ये रेडीमेड है, हमने अपने चिकन अचारी में घर का भी ऐड किया है, आप उसमें भी देखकर बना सकते हैं अचार मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने 1 किलो कीमा लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी निकाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मसाले में। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। इस तरीके से थोड़ा कवर करके इसको अभी हम मसाला बनाएंगे मिर्ची में भरने के लिए। ये 2 टेबल स्पून मसाला लिया है हमने, और ये आधा लेमन ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे इसमें, और अभी हमने 5 हरी मिर्ची ली हैं, उसको बीच में से इस तरीके से कट किया है, और इसमें हम अचार का मसाला इस तरीके से भर लेंगे सब में अच्छे से। अभी एक कुकर लेंगे, और ये हमारा मैरिनेट हो चुका है कीमा, और इसको इसमें कुकर में ऐड कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगा देंगे हम इस तरीके से। इसको अभी हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, जायफल, जावित्री, लौंग वगैरह, और 2 ऑनियन लेंगे मीडियम साइज़ की, और इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमको, इसको हल्के ही ब्राउन करनी है इस तरीके से। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे 2, ये बारीक बारीक चॉप किए हैं, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अभी हम ये पक चुका है हमारा थोड़ा 5 मिनट के लिए, इसमें मसाले ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हरी मिर्च ऐड करेंगे 3, बारीक बारीक चॉप करके इसको इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे 2 सीटी लगाने के बाद, और इसको इसमें अच्छे से मसाले में भून लेंगे। थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अचारी कीमा बन के रेडी हो चुका है। अभी इसमें हम ऊपर से मिर्च ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे फुल फ्लेम पर थोड़ा पानी डालकर। इस तरीके से कवर करके तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है, तेल छोड़ दिया मसाले ने। अभी हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अचारी कीमा बन के रेडी हो चुका है, एकदम टेस्टी टेस्टी। अभी हम बनाएंगे रुमाली रोटी, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं रुमाली रोटी बनाना।
तो सबसे पहले चाहिए हमको 1.5 कटोरी मैदा। ये हमने 1.5 कटोरी मैदा लिया है और अब इसमें 1 कटोरी आटा मिक्स कर देंगे और इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से गूंद लेंगे इस तरीके से। तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा इसको अच्छे से आटा गूंदना है हमको। थोड़ा इसमें टाइम आटे में लगता है, रोटी बनाने में नहीं लगता, जल्दी बन जाएंगी। बहुत इजी रेसिपी है। तो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से गूंद लेंगे इस तरीके से तोड़ते हुए इसको आटे को। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। अभी हम इसको एक बॉयल में निकाल लेंगे और इस पर थोड़ा 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए, इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे इस तरीके से पहले ढककर। तो फ्रेंड्स देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसकी रोटी बनाएंगे। इसके इस तरीके से गोल गोल पेड़े कट कर लेंगे और इनको एक प्लेट में बनाकर रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पेड़े बनके रेडी हो चुके हैं। अभी हम इस तरीके से इसको बेलेंगे, पतला बेलना है हमको रोटी की तरह एकदम बड़ा, और इस तरीके से, और इस तरीके से हमने डाल दिया इस पर। अभी हम दूसरी आपको बनाकर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से बन चुकी है हमारी रोटी। दूसरी इस तरीके से रेडी करेंगे, इसकी चकली बनाएंगे पेड़े की और इसको अच्छे से बेल लेंगे इस तरीके से। और इसको जितनी बड़ी हो सके इतनी करेंगे और इसको हाथ से बड़ी करेंगे रोटी को इस तरीके से। और इस पर कढ़ाई पर इसको ऐड कर देंगे, पतली, बहुत ही पतली करनी है हमको इसको, इस तरीके से ऐड कर देंगे। और इसको बहुत जल्दी हमको पलटनी है, बस कुछ सेकेंडों में ही, ज़्यादा देर तक नहीं रखनी इस तरीके से ये। और अभी हम चेक करते हैं थोड़े अंदर से पकी है नहीं, थोड़ा कच्ची है तो थोड़ा और पका लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारी रोटी बनके रेडी हो चुकी है, पक चुकी है अच्छे से। अभी हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी रोटी भी इस तरीके से ही रेडी करेंगे, इस तरीके से दूसरी भी रेडी हो चुकी है। सब रोटियां हम इस तरीके से ही रेडी कर लेंगे। इस तरीके से तो फ्रेंड्स देखिए हमारी रुमाली रोटी बनके रेडी हो चुकी है। सब इस तरीके से लगा देंगे, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।